तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000, जहां पे मैंने आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन सजेस्ट किए थे जिनको परचेज करने के बाद आपके मुंह से बस एक ही आवाज निकलेगी, अबे साले। और उसी लिस्ट से मैं आप लोगों के लिए दो स्मार्टफोन्स निकाल कर लेके आया हूँ, पोको F3 GT द गेमिंग बीस्ट वर्सेज OnePlus Nord 2 द कन्फ्यूजिंग OnePlus। अब मैंने कन्फ्यूजिंग OnePlus क्यों बोला ये तो मैं वीडियो के आगे में बताऊंगा, फिलहाल बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के बारे में। तो दोनों ही फोन्स 30,000 के आसपास आते हैं, दोनों में ही सेम MediaTek Dimensity 1200 का 5G प्रोसेसर मिलता है विथ UFS 3.1 स्टोरेज टाइप। दोनों फोन्स के बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड द मेन थिंग कि दोनों में से किसी भी फोन में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं मिलता है। ये तो थी कुछ सिमिलैरिटीज इन दोनों फोन्स के बीच में, और अब हम बात करेंगे इन दोनों फोन्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। और आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपने सारे वीडियोस में कभी भी ब्लूटूथ 5.1, 5.2, वाईफाई 5, वाईफाई 6 या 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, इन सभी के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि ये रियल लाइफ में मैटर नहीं करते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बात करता हूं जो एक्चुअली में यूसेज में आप लोगों को मैटर करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज गेमिंग। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों ही फोन्स में आपको MediaTek Dimensity 1200 का 5G प्रोसेसर मिलता है, विच इज वेरी मच केपेबल एंड ऑप्टिमाइज ऑन बोथ द डिवाइसेस, बट स्पेशली गेमिंग के लिए देयर इज अ बिट डिफरेंस कि पोको F3 GT के बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ 6GB का रैम मिलता है, वही OnePlus Nord 2 में 8GB का रैम। बट मैंने जहां तक नोटिस किया कि पोको F3 GT का जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम वाला, वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। आप लोगों में से किसी ने 6GB रैम वाला वेरिएंट परचेज किया है क्या, कमेंट करके बताना जरा। दूसरा डिफरेंस ये है कि पोको F3 GT में गेमिंग के लिए आपको डेडिकेटेड ट्रिगर्स दिए गए हैं, विच इज अ बिग एडवांटेज। अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो या फिर आपको गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर पोको F3 GT। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस ऑल्सो, द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। पोको F3 GT में आपको मिलता है MIUI 12.5 विच इज वेरी मच इम्प्रूव्ड, लिटरली वेरी मच इम्प्रूव्ड। बट अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें हम बग्स कहते हैं, बट Xiaomi इज स्टाइलिशली वर्किंग ऑन दिस टू इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग इट्स स्मार्टफोन। बट दूसरी तरफ OnePlus Nord 2 में आपको मिलता है Oxygen OS 11। अब यहाँ पे मैं दो बातें बोलूंगा, पहला तो ये कि Nord 2 का Oxygen OS डिफरेंट है बिकॉज इसमें आपको कलर OS के भी कुछ फीचर्स एंड एनिमेशन देखने को मिलेंगे, विच आई डिडंट लाइक इट सीरियसली। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको पुराना वाला Oxygen OS पसंद है या फिर नया वाला। अब दूसरी बात मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जिस तरह OnePlus कलर OS की कोडिंग को धीरे धीरे अपने फोन्स में इंप्लीमेंट कर रहा है, आई एम अफ्रेड कहीं ये पूरी तरह से कलर OS पे शिफ्ट ना हो जाए, बिकॉज दैट विल बी अ नाइटमेयर फॉर OnePlus यूजर्स। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था द कन्फ्यूजिंग OnePlus। अच्छा खैर, बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस कंपैरिजन, कैमरा। पोको F3 GT में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद F1.7 एपर्चर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिया हुआ है। वही OnePlus Nord 2 में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 सेंसर विद F1.9 एपर्चर, विच हैज ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन बिल्ट इन। और इस फोन में भी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशंस को साइड में रखते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में। तो OnePlus Nord 2 का प्राइमरी सेंसर बहुत ही अच्छे वाले फोटोज क्लिक करता है, स्पेशली डे लाइट में, डायनामिक रेंज, कलर्स, डिटेल्स, एवरीथिंग। बट कुछ कुछ सिचुएशन जैसे HDR, लो लाइट परफॉर्मेंस, ये सभी चीज़ें पोको में ज़्यादा बेटर है। अब ऐसा नहीं है कि पोको की डे लाइट परफॉर्मेंस खराब है, बट जो कंसिस्टेंसी आपको OnePlus में देखने को मिलती है वो पोको में देखने को नहीं मिलती। इवन वीडियोज में भी OnePlus का OIS वर्क्स ग्रेट, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। सो इफ यू आर बाइंग अ फोन स्पेशली फॉर कैमरा, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर OnePlus Nord 2। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। तो OnePlus Nord 2 में आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है विद 65W फास्ट चार्जिंग, वही पोको F3 GT में आपको 5065mAh की बैटरी मिलती है विद 67W फास्ट चार्जिंग। आई नो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पोको की बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा देर तक चलेगा, हो सकता है, बट बहुत ज्यादा मिनिमल वाला डिफरेंस होने वाला है। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो पोको में आपको 120Hz का डिस्प्ले मिलता है, वही OnePlus में 90Hz। अब 120Hz विल डेफिनेटली कंज्यूम मोर बैटरी इन कंपैरिजन टू 90Hz। दूसरा, Oxygen OS इज मोर ऑप्टिमाइज्ड इन कंपैरिजन टू MIUI। तीसरा, अगर आप पोको F3 GT परचेज कर रहे हो, इट मींस यू आर अ गेमर। सो लेट्स सपोज OnePlus यूजर दिन में 1-2 घंटे गेम खेलता है, तो पोको यूजर प्रोबेबली 3-4 घंटे गेम खेलेगा। सो दैट कुड बी अ पॉइंट जिसकी वजह से दोनों ही फोन्स की बैटरी ऑलमोस्ट सेम चलेगी। और हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस और है विच कुड मैटर टू मोस्ट ऑफ द गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, कि पोको F3 GT में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, वहीं पे OnePlus Nord 2 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। पर्सनली आई लाइक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब इस वीडियो में मैंने ज्यादा डिफरेंसेस के बारे में तो बात नहीं की है, बट जितने भी डिफरेंसेस मैंने बताए दैट रियली मैटर्स जब भी आप किसी स्मार्टफोन को परचेज करने जा रहे हो। अब मैं अपना डिसीजन बताऊं तो आप दोनों में से किसी भी फोन के लिए जा सकते हो, बट इफ यू आर अ गेमर डोंट गो फॉर OnePlus, एंड इफ यू आर अ कैमरा लवर डोंट गो फॉर पोको। आपको क्या लगता है इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में वो कमेंट करके जरूर बताना। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन देयर शुड बी अ रेड बटन जस्ट बिलो दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड एंजॉय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा वीस्ता।
है।